कि जब आप दोनों में से कोई नाराज होता तो आपको कैसे पता चलता ना? जब हम लोगों में से तो पता चलता है ना एक्सप्रेशन देख कर, तो आप दोनों अपनी नाराजगी का कैसे इजहार करते हैं? बेटा हम खामोश हो जाते हैं, इसी से पता चल जाता है नाराज। अच्छा इसमें ये है कि हम लोग क्योंकि हमारी जो इंटायर लाइफ है वो बेस करती है आवाज पे, हम आवाज आवाज की पिच उतार चढ़ाव इसको बहुत ज्यादा हम जज करते हैं, तो मुझे आयशा के पहले सेंटेंस से ही पता चल जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग इन हर माइंड, क्योंकि आयशा की जो आवाज है जब वो खुश होती है तो उसमें किस तरह की स्माइल होती है, किस तरह की पिच होती है मुझे पता है, तो जैसे ही उनकी आवाज की टोन में तब्दीली आएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि पूछना चाहिए कि कुछ हुआ तो नहीं। और एक और चीज़ है कि जाहिर है हमारी हैबिट्स, हम एक दूसरे की हैबिट्स जानते हैं, आयशा की अक्सर हैबिट है कि जब ये खुश हैं तो उन्होंने रूम का और डोर ओपन करते ही मुझे कुछ ना कुछ जरूर कहना है कि क्या हो रहा है, यानी उन्हें बताना है कि मैं क्या करके आई हूँ, तो जब ये खामोशी से रूम में एंटर हो गई है तो मैं समझ आता हूँ जो अलार्म बेल्स हैं वो बजना शुरू हो जाती हैं कि कुछ हुआ है। और तो ये इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि मैं इसी तरह से, बेटा मैं अदरवाइज बहुत मोबाइल यूज करती हूँ, लेकिन जब मैं नाराज होती हूँ मेरा मोबाइल भी यूज नहीं हो रहा था, मैं बिल्कुल खामोशी के मोड में चल जाती हूँ, उससे पता चल जाता है आने वाली तूफान का फेस कर रहा है। जब ये बेड पे टेक लगा के बैठ जाए और कुछ ना बोले एक दो मिनट तो समझ जाए तो हम बेटा इसी तरह अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो बेस करती है आवाज पे।